दुनिया को हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव सभी को रोता छोड़ गए, ऐसे कोट्स आप सोशल मीडिया पर लगातार पढ़ रहे होंगे। आज हम उनके बहुत करीब मौजूद हैं, या फिर ये कहें कि वो हमारे बहुत करीब मौजूद हैं। ये विजयनगर इलाका है पश्चिमी दिल्ली का, और यहाँ उनके बड़े भाई सीपी श्रीवास्तव रहते हैं। उनके शव को यहाँ लेकर आया गया है, और तमाम लोग, तमाम नेता, छोटे नेता, बड़े नेता, क्षेत्रीय नेता उन्हें यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच रहे हैं। कुछ पड़ोसी हैं उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि कितना दर्द आज उनके दिल में है। क्या नाम है? सर सुरेश बिहारी नाम है। आप यहीं आसपास रहते हैं? जी यहीं रहता हूँ, दशरथपुरी में। 15 साल रामलीला, जागरण, जन्माष्टमी सब मैं ही करवाता हूँ। अच्छा। राजू श्रीवास्तव जी कई बार यहाँ आए, एक एक घंटा हमने, रामदेव जी हैं, जितने संघ वाले हैं सबके साथ मिलते थे, जुलते थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो ये सुरेश बिहारी जी हैं, इनके पोस्टर भी आपने देखे होंगे। ये कहते हैं राजनीति में दलदल है और सुरेश बिहारी निर्दलीय है। तो आप ये बताइए, कभी आपकी मुलाकात हुई राजू श्रीवास्तव से? कोई ऐसी बात जो आपको याद हो? मैं 2-3 बारी मिला हूँ, 2-3 बारी यहाँ पे। एक गरीब को गरीब नहीं समझते थे, अमीर अमीर को नहीं समझते, सबको गले लगाए रखते थे। एक रिक्शा वाला भी बेचारा जा रहा था उस दिन, फ़ोटो खिंचवाया, गले लग के फ़ोटो खिंचवाया। बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान। दोबारा हमारी धरती पर ऐसे इंसान नहीं आ सकते। हम तो आप तो हंसना छोड़ देंगे सर, क्या करें, आँखों में आँसू हो रहा। अब दुनिया रो रही है, हमारे दिल से बूझिए ना, एक इंडिया के इतने बड़े कलाकार आज हमें छोड़ के चले गए, बहुत ही दुखद घटना है। तो अब यहाँ पे क्या कार्यक्रम है, कब इन, कहाँ इनका जो है अंतिम संस्कार होगा, क्या है पूरी तैयारियाँ? सर कल 8 बजे निगम बोध घाट ले जाया जाएगा, सारे वहीं पहुँचेंगे। कुछ लोग एयरपोर्ट से उतर के यहाँ आएंगे, नहीं तो निगम बोध घाट इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा सुबह 8 बजे। यहाँ पे उनके बड़े भाई रहते हैं? जी बड़े भैया रहते हैं, अक्सर आते हैं। उनकी वाइफ भी है, राजू श्रीवास्तव जी की वाइफ वगैरह सब यहीं है, बच्चे भी यहीं है, भाई भाई जितने रिश्तेदार है सब आ गए हैं, करीबन सारे आ गए हैं। कुछ लोग हैं जो बम्बई से आने हैं, जो इनके दोस्त हैं, मित्र वगैरह हैं, वो सुबह सुबह आ जाएंगे, रात को आ जाएंगे। हम तो यहीं हैं 24 घंटे। तो आपको याद होगा कुछ दिनों पहले उन्हें कार्डिक अरेस्ट हुआ था, एम्स में वो भर्ती थे, और उनकी हालत को लेकर बताया जा रहा था कि कुछ सुधार नहीं हो रहा है, और आज वो ज़िंदगी की जंग हार गए। यहाँ उनके ब्रदर के घर उनका शव रखा हुआ है, और उनके पूरे परिवार वाले यहाँ मौजूद हैं, और कल सुबह उन्हें निगमबोध घाट पर ले जाया जाएगा, जहाँ उनका अंतिम संस्कार होगा। कुछ और मेहमान, कुछ और भी लोग आने वाले हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। लगातार लोग पहुँच रहे हैं, पड़ोसी पहुंच रहे हैं, क्षेत्रीय नेता पहुंच रहे हैं, बड़े नेता पहुंच रहे हैं, और बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और हर किसी के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ मायूसी है। कैमरा जर्नलिस्ट संदीप के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।